हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि पेरेंट टीचर मीटिंग में इंग्लिश कैसे बोले। अगर आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाती हैं या फिर जाते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश कैसे बोले, इसी तरह के मैं सेंटेंसेस लेके आई हूँ। और गाइज, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कॉमेंट और शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। मदर, गुड मॉर्निंग, मैं राजीव की माँ हूँ। मान लीजिए बच्चे की माँ है, वो पेरेंट टीचर मीटिंग में गई हैं तो वो बोल रही हैं गुड मॉर्निंग, आई एम राजीव्स मदर। गुड मॉर्निंग, आई एम राजीव्स मदर। वो अपना इंट्रो दे रही हैं। क्लास टीचर, जी बैठिए, यह राजीव की मासिक रिपोर्ट है, वह 3 विषयों में फेल है। यस प्लीज सिट डाउन, हियर इज राजीव्स मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ही हैज़ फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट, ही हैज़ फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट। वह 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। मंथली रिपोर्ट दिखाई जा रही है। मदर, जी वह मैथ्स और साइंस के टेस्ट में बीमार था। मम्मी लोग यही करती है ना, कोई बहाना बना देती कि वो बीमार था। यस ही वॉज अनवेल ड्यूरिंग द मैथ्स एंड साइंस टेस्ट। यस ही वॉज अनवेल ड्यूरिंग द मैथ्स एंड साइंस टेस्ट। वह मैथ्स और साइंस टेस्ट में बीमार था। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्लास टीचर, ठीक है पर सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ, उसे 20 में से 4 अंक मिले हैं। ठीक है, फाइन, पर सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ, बट वॉट अबाउट सोशल साइंस, ही गॉट ओनली 4 मार्क्स आउट ऑफ 20। सिर्फ 4 नंबर मिले 20 नंबर में से। ही गॉट ओनली 4 मार्क्स आउट ऑफ 20। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्लास टीचर फिर बोलती हैं, अंग्रेजी में भी वह बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। In English also, he has hardly got pass marks. Pass marks यानी कि 32 होता है pass mark, तो बड़ी मुश्किल से मिला है उसको। He has hardly got pass marks. The next sentence is, mother, हाँ दरअसल मैं भी उसके बारे में परेशान हूँ, वह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। Yes, actually, I am quite worried about him. राजीव डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज। यस एक्चुअली आई एम क्वाइट वरीड अबाउट हिम, राजीव डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्लास टीचर, मेरे ख्याल से उसकी सेहत खराब है। टीचर बोल रही है कि मेरे ख्याल से उसकी सेहत खराब है। आई थिंक ही इज अ बिट वीक फिजिकली ऑल्सो। आई थिंक ही इज अ बिट वीक फिजिकली ऑल्सो। उसकी सेहत खराब है फिजिकली। मदर, जी सर आप ठीक कहते हैं। यस सर यू आर राइट, या फिर यस मैम यू आर राइट। क्लास टीचर तो कोई भी हो सकता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्लास टीचर, आप उसकी आँख टेस्ट कराइए, मैंने नोट किया है कि वह बोर्ड पर ठीक से नहीं पढ़ पाता। Please get his eyes tested. I have noticed that he is unable to read the board properly. Please, यानी कि कृपया, get his eyes tested, उसकी आँख टेस्ट कराइए। I have noticed, मैंने नोटिस किया है that he is unable to read the board properly, और वह बोर्ड पर ठीक से पढ़ नहीं पाता है। The next is, mother, मैं आज ही उसे नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाऊंगी। मैं डॉक्टर से उसके सामान्य स्वास्थ्य के बारे में सलाह लूंगी। आई विल टेक हिम टू एन आई स्पेशलिस्ट टूडे। आई विल ऑल्सो कंसल्ट द डॉक्टर रिगार्डिंग हिज जनरल हेल्थ। आई स्पेशलिस्ट, जिसे हम आँख दिखाते हैं, कंसल्ट द डॉक्टर यानी कि सलाह लूंगी उसके हेल्थ के बारे में, सामान्य हेल्थ यानी कि जनरल हेल्थ। क्लास टीचर, राजीव को साइंस और मैथ्स में अलग से सहायता की ज़रूरत है, घर में उसे कौन पढ़ाता है। बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा, राजीव नीड्स टू एक्स्ट्रा कोचिंग इन साइंस एंड मैथ्स। राजीव नीड्स टू नहीं होगा, नीड्स एक्स्ट्रा कोचिंग इन साइंस एंड मैथ्स। हु टीचेस हिम एट होम, उसे कौन पढ़ाता है घर पे, ये क्लास टीचर पूछ रहे हैं। मदर, मैं ही पढ़ाती हूँ लेकिन नियमित रूप से नहीं, यानी कि मैं पढ़ाती हूँ बट नॉट रेगुलर। आई डू बट नॉट रेगुलरली। आई डू यानी कि मैं पढ़ाती हूँ, बट नॉट लेकिन
बट नॉट रेगुलरली, लेकिन लगातार नहीं पढ़ाती मैं, कभी कभी टाइम मिल गया तो पढ़ा देती हूँ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्लास टीचर कृपया आगे से नियमित पढ़ाएं, प्लीज़ बी रेगुलर इन फ्यूचर। उसका लेख भी ख़राब है, डैट मीन्स हिज राइटिंग इज ऑल्सो पुअर। उसके लिए घर पर लिखने का अभ्यास भी ज़रूरी है, यानी कि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ही मस्ट प्रैक्टिस हैंड राइटिंग एट होम, प्लीज़ बी रेगुलर इन फ्यूचर। हिज राइटिंग इज ऑल्सो पुअर, ही मस्ट प्रैक्टिस हैंड राइटिंग एट होम। घर पे उसे हैंड राइटिंग दीजिए ताकि वो राइटिंग सुधार सके लिखने के लिए। मदर, मैं अब निश्चित ही उसका पहले से अधिक ध्यान दूंगी। यस, आई विल डेफिनेटली पे मोर अटेंशन टू हिम नाउ। यस आई विल डेफिनेटली, यानी कि निश्चित, ज़रूर ही, पे मोर अटेंशन टू हिम नाउ, उसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगी अब। यस आई विल डेफिनेटली पे मोर अटेंशन टू हिम नाउ। क्लास टीचर कृपया ऐसा ही कीजिए, थोड़ी कोशिश से ही उसमें अवश्य सुधार आएगा। कृपया ऐसे ही कीजिए, प्लीज़ डू डैट। थोड़ी कोशिश से, विद अ लिटिल एफर्ट, उसमें अवश्य सुधार आएगा। ही विल डेफिनेटली इम्प्रूव, प्लीज़ डू डैट, विद अ लिटिल एफर्ट ही विल डेफिनेटली इम्प्रूव, उसमें सुधार आएगा अगर घर में आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मैं, मदर बोलती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया उसके बारे में मुझे सूचित करते रहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया उसके बारे में मुझे सूचित करते रहिए। प्लीज़ कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिम। आई विल ट्राई माई बेस्ट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिम। ये बोलते हैं ना पेरेंट्स मीटिंग में। क्लास टीचर जी ज़रूर, यस ऑफ कोर्स, उसके बारे में बताते रहिए। मदर ने बोला, माँ ने बोला कि उसके बारे में बताते रहिए ताकि मुझे पता चले कि वो कैसे है पढ़ाई में ये सब। तो टीचर बोलने की, यस श्योर, व्हाई नॉट, यस ऑफ कोर्स। तो ये अब लास्ट है, तो मदर बोल रही है कि अच्छा नमस्कार, ओके बाय, नाउ शी इज गोइंग आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर। ओके बाय, अच्छा नमस्कार। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर आप करते रहिए, सो दैट आई गेट मोटिवेशन इन मेकिंग मोर वीडियोस। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।